ये फुटबॉल कोर्ट पे आ गया क्या? हाँ, मेरे को बोला बकवास मूवी है। हेलो गाइस, आज मिला हमको टास्क कि पूरे ब्लॉग मैं ही करूंगा इसको, आज भाव नहीं मिलेगा। तो आज हम हाईजैक किए हैं उसका मोबाइल। अब मेरे को मालूम है ये लेके फिर वापस ये यही चीज बोलेगी, चाय पी रहे हैं, चाय पी लिया मैंने, वो चाय पी रही है। रोमियो को खाना खिलाएंगे, उसके बाद रोमियो को घूमी घूमी कराएंगे और उसके बाद हम जाएंगे मूवी नाइट। ट्रिंग ट्रिंग कौन सी मूवी देखने जाएंगे? मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, ठीक है ना? ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ऐसे। झुमका गिरा रे ये गाना है। हाँ, कौन सा मूवी का गाना है? वही मूवी देखने जा रहे हैं। कौन सा मूवी? एक बार इसको नाम नहीं पता है, नाम बताओ ना। क्या हमको पता नहीं? पर टिकट हमने बनाया है या हम बता रहे हैं? नाम बोलो ना, क्या है पता नहीं। कोई तो रानी है लास्ट में, ठीक है ना? ओ माय गॉड राजा, तुम क्या मूवी देखने जा रहे हो? तुमको पता भी नहीं है। हीरो रणवीर सिंह है और हीरोइन इट इज रॉकी और रानी की लव स्टोरी। मेरे को लग रहा है ऐसे ही कुछ है। इसको भी गारंटी नहीं है, मेरे को पढ़ा रही है। करण जौहर वाली मूवी सभी ऐसे ही होते हैं। चलो देखते हैं, चलते हैं। एक्चुअली प्लान इसीलिए बनाई है इसने क्योंकि बहुत दिन हो गया हम कहीं मूवी देखने नहीं गए थे कहीं। आज का वीडियो राजा करने वाला ब्लॉगिंग जो भी है, प्लीज जितना हो सके उतना लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि राजा को मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम से राजा वीडियोस बनाने। बीच बीच में क्लिप्स भी ऐड करने का कोशिश करूंगी। और सॉरी मैं आज कुछ ज्यादा बोल गई, अब राजा का टाइम है। राजा तुम बोलो। ये ऐसे ही भाव खाती है, सारे फुटेज खाएगी, ये हमको पता है। अब हम लोग आए हैं रोमियो को घूमने कराने के लिए, फिर थोड़ी देर बाद हम ऊपर लेके जाएंगे, फिर हम भाग जाएंगे। कैसे भागेंगे बताओ? वहाँ पे पता नहीं रोमियो कहीं पे गुमशुदा हो गया है। और चंदा मामा जी देखिए। बाबू ये बैग लेके क्यों जा रही है तू? ये बैग में क्योंकि कुछ खजाना रखा हुआ है। हम लोग मूवी देखने जाएंगे तो ठंड लगेगा ना, इसे मैंने लेके रखा हुआ। कुछ पैसा भी ले ले, कैश कैसे है क्या उसमें? चलो दिखा मेरे को कैश। वो तो मेरे राजा जी के पास है ना, मेरे पास थोड़ी होगा। चलो ना, मेरे पास घंटा नहीं है, तो ले गया पहले कैश लेके। कैसे निकाल? गुड, लेफ्ट हैंड में नहीं देते हैं। सही हैंड तो है, इजी हैंड से पैसा देते हैं। लो पकड़ो। राइट हैंड में दे। तो एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे बैग में डालने के लिए तो पैसा मांग रहे थे ना? अच्छा नहीं नहीं, मेरे जेब पे रखने के लिए। लो पकड़ो। चलो टिडिंग, गांधी जी आ गए हमारे पास, अभी हम जा सकते हैं। टिकट ले लेके तू? ऑनलाइन है सर। क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन टिकट है ना। उधर जाने के बाद मैं ऐसा ना बोलो कि बाबू टिकट नहीं लिया। मैं अभी शेविंग करने जाऊंगा सैलून में, शर्मार्ट भी जाना है। तो गाइस अभी मैं गया और आया और ये रहा मेरा लुक। कैसा लग रहा बाबू? राजा एकदम सही। थैंक यू। इतना टाइम क्यों लग गया तुमको? अरे इतना टाइम 10 मिनट में किया हूँ। क्या बात कर रहे हो यार, झूठ बोल रहे हो। बेचारे को बोला कि मूवी देखने जाना है, जल्दी कर दे, तो कर दिया उसने। मेरे को बोल रहा है कि सर आप रोज रात को ही क्यों आते हो? अभी 9:30 बजे जानबूझ के आते हूँ ताकि हम और कुछ बोल दें, ये करना है वो करना है, अब बस बहाना ही मारते हो। बोला ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक पक्का। अभी हम स्टार मार्ट जा रहे हैं, 10 बजे बंद हो जाएगा, जल्दी। एक लेज भी ले लो ना, मैं खा लूंगी। कौन सा वाला लियो? जूस उठाने में तुमको इतना टाइम लग रहा है किटू? पार्किंग, मॉल के पार्किंग में N55। ओके, अब यहाँ पे 1 घंटा बचा है हमारे पास। हाँ, तो हम कुछ खाएंगे और चाय पियेंगे। हाँ, उसके बाद मूवी देखने जाएंगे। और फिर मूवी देख के? मूवी देख के रोएंगे। कितने कराओ। What you want to eat? ये फुटबॉल कोर्ट पे आ गया क्या? हाँ, किस्मत ही भी हमको फूड वाले कोर्ट पे लेके आया है, इसका मतलब हमको खाना चाहिए। चलो नहीं, जो मुझे लग रहा है, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, बस मैं बोल रहा हूँ।
नहीं चलो देखते हैं थोड़ा घूमते हैं थोड़ा 10-15 मिनट चलो। जिंदगी भर मैंने बिग बॉस को कोसा है, पहली बार लाइफ में 15 साल जो भी हो गया बिग बॉस पहली बार देखा और मैं पूरे रात देखता हूँ दोनों की वजह से, एल्विश और अभिषेक की वजह से। मनीषा रानी को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभी गंभीर हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ तो है नहीं, बस ये दिखा दो थोड़ा सा दर्शकों को। ले लो ये भी तो ठीक है ना, छोटू वेजी पैराडाइज। हम लोग अभी आए हैं खाने के लिए यहाँ पे एंड राजा ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है और मैं यहाँ पे आके बैठ के रिजर्व कर रही हूँ। तुम जो शेविंग करवा रहे थे तब का क्या इंसिडेंट है बताओ ना। ओ, मेरे बगल में एक भाई का भाई बैठा हुआ था, शेविंग कर रहा था, वो भी उसका भी शेविंग कर रहा था। भाई थोड़ा जल्दी कर दो, मूवी देखने जाना है, तो उसने बोला कि नाम पता नहीं, बोला नहीं रणवीर और आलिया वाला पर मूवी तो बकवास है। बोला भाई डिमोटिव तो कर मत, अभी जा रहे हैं, कम से कम बैठ के तुम तो ये करने दे। अब हमारा ऑर्डर आ गया है, टोन आ गया तो राजा गया लेने के लिए। एंड बाहर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे लाइट ऑलरेडी ऑफ हो चुकी है, मतलब सब क्लोज। भैया बहुत अच्छा है, दादी ने कुछ सच्ची बता रही हूँ, सॉरी अभी डाल रही हूँ। हाँ मस्त है, मेरे को लग रहा थोड़ा और चिली फ्लेक्स वाले सब चाहिए होगा। अरे वो इतना मत डालना, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो एक खाएंगे राजा। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक मूवी स्टार्ट नहीं हुआ, हम लोग को लगा हम लोग लेट हो गए तो स्टार्ट नहीं होगा, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। और हम लोग हमारे सीट पे बैठ चुके हैं, एकदम लास्ट वाले सीट। किसी को देखने आना है तो लॉजिक अपने घर पे छोड़ के आओ। और करण जौहर का मैजिक यहाँ पे देखो, नहीं करण जौहर की मूवी है तो फिर इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ही तुम लोग। और अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा, एक टाइम आज थोड़ा सा क्या बोलते हैं इमोशनल है, कॉमेडी है, गाना है, और क्या चाहिए। कितने घंटे का मूवी है? 3 घंटे का मूवी है, 3 घंटा नहीं मतलब 2.5 आवर का मूवी है। ओके आधा घंटा तो यही चल रहा था। एंटर किए थे हम लोग कितने बजे एंटर किए थे? 10:30 और निकल कब रहे? निकल रहे 1:42 1:40 मतलब सोच ले कि 2:40 का है मूवी होगा, मुझे लग रहा है इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम जाते हैं, जिसको देखने आना है आ जाओ दिखा देंगे। कहाँ नीचे के ऊपर? ए नीचे ही नहीं मेरे ख्याल से। सैटरडे संडे मजेदार था और आप मतलब कभी भी जा सकते हैं, अच्छा लगेगा। वन टाइम वॉच हम लोग को तो लग रहा है, वन टाइम मत नहीं, मेरे को तो अच्छा लगा। हाँ मतलब काफी टाइम के बाद में करण जौहर ने इतनी अच्छी मूवी रिलीज की है, मतलब बहुत दिन के बाद थोड़ा सा टिकटॉक मूवी मिला है देखने को। स्टोरी लव स्टोरी उसको पता है कि फैमिली वाला लोग हर कोई जनरेशन वाले लोग ऑब्वियसली लव स्टोरी बहुत ज्यादा फोकस करता है। तो दो एज लोगों का लव स्टोरी है ना राजा, एकदम मिडिल एज वाला लोग का एंड जो रानी एंड रॉक की। ऑफ कोर्स थोड़ा कल्चर दिखाया है कि आजकल कैसे चेंज हो रहा है जमाना, जो हमारे लिए तो है ही, मेरे मम्मी पापा भी देख चेंज हो गए।
सो ऑफ कोर्स हम लोग की एडवाइस यही होगी, हम लोग का सजेशन यही होगा जिसको भी जाने का है, जाओ आ जाओ भाई देख लो। हाँ। आ जाओ, करण जोर बोल रहा है अभी आ जाओ, दिखा देंगे अच्छा मूवी दिखा देंगे। हाँ, और गाने भी मस्त थे, फंटास्टिक थे। हाँ ये तो है, गाना तो अच्छा था भाई, कुछ मेरे को दो गाना तो अच्छा लगा। कौन सा वाला? अरे वही जो हम सुनते रहते हैं, बजता रहता है। झुमका, ये झुमका कटिंग कर रहा था ना उसको डांटना, बोल रहा भाई तू क्या बोल रहा था, मेरे को बोल रहा था बकवास मूवी है, तो सही मूवी था, मेरे को बोल रहा था कि बकवास मूवी है, बकवास नहीं है, मैंने बोला, मेरे को बोला कि आप डिसअपॉइंट हो गए, जाने के जाने नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो बोला कि नहीं, बोला यार ऐसे मत बोल, कम से कम जाने तो दे, देखने तो दे। आलिया का और रणवीर का क्या जोड़ी था, क्या केमिस्ट्री था, सही था, एकदम ऑन पॉइंट कॉमेडी था। सो हम लोग तो मजा कर लिया आज, कल राजा को ऑफिस जाना है और मेरे को भी काम करने का है, तेरे को तो काम 1 बजे स्टार्ट करना है, हमको तो सुबह 8 बजे पहुँचना है। So, हम लोग हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, आज मेरा ब्लॉग है, तू ब्लॉग खत्म नहीं करेगी, मुझे खत्म। अच्छा ब्लॉग खत्म करने से पहले राजा मूवी का नाम बता दो तो। रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। ओ अच्छा ठीक, ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, आगे ध्यान देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर ब्लॉग, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। Yeah.